अब हमारे अस्पताल की छत का मोटा मोटा काम तो हो गया है कुछ वेंटिलेटर्स हैं जिसे हमने एलमूनियम लूवर्स से बंद करना और मच्छर जाली से ताकि वेंटिलेशन रहे और बाहर से कोई पक्षी या आंधी तूफान से मिट्टी ना आए ज़्यादा फिर मेसनरी काम भी काफ़ी हद तक हो गया है इस समय जो हमारा ओ का फर्श है ये एक एंटी स्किड जो ईट है हम उससे बना रहे हैं ये हो जाता है ख़त्म तो जो छोटा मोटा और फर्श का काम बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगा आज से खिड़कियाँ लगनी चालू हो गई हैं तो हम हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा हैवी ड्यूरेबल लगा रहे हैं कि भाई ताकि आने वाले दसियों साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के या कम मेंटेनेंस के साथ हम ये जगह चला सके और हमारा फोकस जो है सिर्फ एनिमल रिकवरी पर रहे ये जो हमारे स्टर्लाइजेशन कैनल्स हैं इसका भी आगे का सेक्शन सारा बन गया है ये जो कैनल्स हैं हमने अपने बाकी रिकवरी केनल से दूर रखे हैं ताकि स्टर्लाइजेशन के लिए डॉग्स आए बिना किसी इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आए वो यहाँ से सीधा चले जाएँ अंदर हमारे जो हैं रिकवरी कैनल्स हैं तो उसके हमारे दो विंग्स हैं यहाँ पे भी बस जाली का लगना है बाकी है उसके बाद ये भी हमारे कैनल्स डन है डॉगी डोर्स जो हैं उसका हमको डिजाइन करना है थोड़ा हमारे सारे जो कैनल्स हैं ना साउथ फेसिंग है और इस तरह हमने बनाया है कि सर्दियों में पूरी धूप डॉग्स को आएगी जितना उन्हें सनलाइट मिलेगी उतना वो जल्दी रिकवर होंगे जो रिकवरी कैनल्स हैं दोनों मैं आपको दोनों दिखाता हूँ उनमें तो दोनों के आगे ग्राउंड भी है जिसमें अपना डॉग्स खेल सकेंगे और खेलेंगे बेहतर महसूस करेंगे यहाँ से जल्दी जाएंगे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि भाई हाँ अस्पताल से हमारी कैपेसिटी तो डेफिनेटली बिल्ड हो ही रही है पर जो हमारा एक बड़ा मुद्दा था वो ये था कि भाई जो हम एग्जिस्टिंग चीज़ कर रहे हैं जो पीपल फार्म में हमने क्लिनिक प्रोजेक्ट शुरू किया उसको हम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाएँ ताकि मेरे जाने के बाद भी ये जगह सालों सालों तक एनिमल्स की हेल्प करती रहे